ओड टू द वेस्ट विंड बाय पर्सी बी शेले। ओड टू द वेस्ट विंड 5 स्टैंजर्स पर मुश्तमिल है और हर स्टैंजा 14 लाइनों का है। ये स्टैंजर्स 4 टर्सेट्स और 1 कपलेट में तकसीम है। ओड टू द वेस्ट विंड लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम क्या होती है? लिरिक पोएम शायर के गहरे जज्बात और एहसासात पेश करती है। ये ओड वेस्ट विंड से मुखातिब है। वेस्ट विंड इतनी ताकतवर है कि शायर इसके लिए यानी वेस्ट विंड के लिए कैपिटल डब्ल्यूज इस्तेमाल करता है। वेस्ट विंड इसके लिए देवता की हैसियत रखती है। शायर वेस्ट विंड से दरख्वास्त करता है कि वो उसके कलाम को सुने। जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि वेस्ट विंड उसकी इल्तिजा सुन रही है, तो शायर फिर दरख्वास्त करता है कि इसके कलाम को पूरी दुनिया में बखेर दे। तो ओड क्या है? ओड एक ऐसी नज़म या गाना है जो किसी शख्स या चीज़ को मुखातिब करने के लिए बावकार ज़ुबान इस्तेमाल करती है। ओड टू द वेस्ट विंड को चार्ल्स और एडमंड ओलियर ने 1820 को लंदन में प्रोमीथियस अनबाउंड में शाया किया। प्रोमीथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है। इसके 4 एक्ट्स हैं। बैकग्राउंड टू द वेस्ट विंड 1819 की खिजां का मौसम है। बहरा रोम से फ्लोरेंस तक का इलाका मगरबी इटली कहलाता है। फ्लोरेंस वस्ती इटली का एक शहर है। शैले ने ओड टू द वेस्ट विंड में इटली के एक और शहर जिसका नाम बाया है, इसका खसूसी तौर पर जिक्र किया है। कदीम रोमी इस शहर को आक्वा कुमाने का नाम देते थे। इस शहर की खुशगवार आबो हवा कदीम रोमी अशराफिया के लिए पुरकशिश हैसियत रखती थी। जूलियस सीज़र और नीरो छुट्टियां गुजारने के लिए वहां जाया करते थे। तहम आतश फशां फटने से इस कदीम शहर का कुछ हिस्सा समुंदर में गर्क हो गया। पीबी शैले ने ओ टू द वेस्ट विंड की लाइंस 32 और 33 में इसका हवाला दिया है। शैले ने फ्लोरेंस के नज़दीक द्रे आर्नो के एक जंगल में ओड टू द वेस्ट विंड कही। खिजां की एक शाम अटलांटिक ओशन से तेज आंधी की एक लहर उठी और उसने वस्ती इटली के तस्काना रीजन को अपनी लपेट में ले लिया। वो वहाँ से गुजर गई। इस आंधी ने शायर को ओड टू द वेस्ट विंड कहने के लिए मुतहर्रिक किया। फ्लोरेंस में द्रे आर्नो के घने जंगलात में से जब इस आंधी का गुजर हुआ, उसका दर्जा हरारत माइल्ड था और इस दर्जा हरारत की वजह से पानी बुखारात बनकर ऊपर उठ रहा था। यही बुखारात मौसम खिजां की बारिश लाने का सबब बनते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त ऐसी हवाएं शदीद गरज चमक के साथ औलों और बारिश लाने का वसीला बनती हैं। स्टैंजा 1 की समरी हम बयान करेंगे। स्टैंजा 1 में शायर ने वेस्ट विंड को इंसान की हैसियत से पेश किया है और यूं वो वेस्ट विंड की सरगर्मियों का जिक्र करता है। वेस्ट विंड मुर्दा पत्तों को ऐसे साथ उड़ा कर ले जाती है गोया कि वो भूत हों जो किसी जादूगर से दूर भागते हैं। इन पत्तों का रंग पीला, स्याह और सुर्ख है। ऐसे मालूम होता है जैसा कि ये पत्ते किसी मुतादी बीमारी की वजह से मर चुके हों। वेस्ट विंड बीजों को उठाकर अपने साथ ले जाती है और ये बीज उस वक्त तक ज़मीन में पड़े रहते हैं जब तक मौसम बहार की खुशगवार हवाएं इन्हें बेदार नहीं करती। मौसम बहार में इन पर फूल और कलियां नमूदार होती हैं तो स्प्रिंग विंड मैदानों और पहाड़ों तक इन सब को फैला देती है। स्टैंजा 1 में शायर वेस्ट विंड से डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर के तौर पर मुखातिब है। उसके बाद शायर वेस्ट विंड से दरख्वास्त करता है कि उसकी बात पर कान लगाए। स्टैंजा 2 में शायर फरमाता है कि वेस्ट विंड
पत्तों की माने बादलों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, फिर वो बादलों को आसमान से फटक देती है। ये बादल बारिश और बिजली के साथ फूट पड़ते हैं, आसमान पर बिजली चमकती है तो मेनार्ड के शफाफ बालों का गुमान होता है। मेनार्ड यूनानी मै की देवी है। उसके बाद शायर वेस्टविंड का जनाजे के गीत से मुआसना करता है। वेस्टविंड साल के अहतमाम पर, साल की मौत पर गाए जाने वाले गीतों की मानिंद है, लिहाजा वेस्टविंड अपनी पूरी ताकत के साथ साल की मौत की रात गुंबद बन जाएगी। इस गुंबद से बारिश, बिजली और ओले बरसेंगे। एक बार फिर शायर वेस्टविंड से मुखातिब है कि वो शायर का कलाम सुने। स्टेंजा 3 में शायर बयान करता है कि खिजां के शुरू में वेस्ट विंड ने मेडिटेरेनियन सी को नींद से बेदार किया। कैसे बेदार किया? मेडिटेरेनियन सी में बहने वाली नदियों की आवाज़ से। शायद यहाँ पर जिस जगह की तरफ इशारा किया है, ये बाहे की हलीज में एक जजीरा है। ये मगरबी इटली, वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम नेपल्स है। नेपल्स से 10 मील मगरब में वाक़ है। इस मकाम पर सोए हुए मेडिटेरेनियन सी ने पुराने महल और बुर्ज देखे जो जलजले की वजह से समुद्र में गर्क हो गए, और अब काई और समुद्री फूल इन पर गालिब आ चुके हैं। वेस्ट विंड की गुजरगाह के लिए अटलांटिक ओशन की ताकतवर लहरें खुद ही बढ़कर खाइयां बन जाती हैं। यानी ये लहरें जब बढ़ जाती हैं तो वेस्ट विंड वहाँ से गुजर सकती है। सतह समुद्र से नीचे गहराई में फूल और पौधे वेस्ट विंड की आवाज़ सुनकर खौफ से कांप जाते हैं। मौसम खिजां में ज़मीन के पौधों की मानिंद समुद्री पौधे भी ख़त्म हो जाते हैं। एक बार फिर शायर ने वेस्ट विंड से मुखातिब होकर कहा है कि वो उसकी बातें सुनती रहे। स्टेंजा 4 में शायर बयान करता है कि अगर वो मुर्दा पत्ता, बादल या समुंदर की लहर होता, लेकिन शायर वेस्टमैन की तरह इतना आज़ाद नहीं है। शायर गुमान करता है कि अगर वो नौजवान लड़का होता, वो मजबूत और ताकतवर होता, तब ही वो वेस्टविंड के साथ चल सकता था और तेज़ रफ्तार सफ़र का ख्वाब देख सकता था। अगर ऐसा होता तो शायर कभी वेस्टविंड से दुआ ना मांगता, जैसा कि अब ज़रूरत के वक्त वो कर रहा है। पहले 3 स्टैंजाज में बयान करदा इमेजिनेशन या मंजरकशी का हवाला देते हुए शायर वेस्टविंड से मुखातिब है कि वो उसे अपने साथ उठा ले, जैसा कि वह समुंदर की लहरों, पत्तों और बादलों को उठाती है। इस दुनिया में शायर शदीद परेशानियों और दुखों से चूर है। उसके दुख और परेशानियां कांडों की माने चुभते हैं और उसके बदन से खून रिसता है। अब वो इनके बोझ तले दब चुका है। अगरचे शायर वेस्ट विंड की मानिंद मगरूर, आवारा और तेज है, इस दुनिया के दुखों और परेशानियों की बोझ की वजह से शायर जंजीरों में जकड़ चुका है और वो उनके सामने झुक गया है। स्टेंजा 5 में वेस्ट विंड की लहरों ने जंगल के सारे दरख्तों को तारदार साज में बदल दिया है। जब वेस्ट विंड की लहरें दरख्तों के पत्तों और शाखों से टकराती हैं तो एक मशहूर कुन आवाज़ पैदा होती है। शायर वेस्ट विंड से मुखातिब है कि वो उसे भी तारदार साज बना दे। वेस्ट विंड जंगल के दरख्तों से गिरे पत्तों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। अगर वो शायर को भी अपने साथ उड़ा कर ले जाए तो इससे खिजां की मीठी और गमगीन धुन सुनी जाएगी। शायर वेस्ट विंड से दरख्वास्त करता है कि बी माय स्पिरिट, कि वेस्ट विंड उसकी रूह बन जाए। शायर वेस्ट विंड से इल्तजा करता है कि उसके मुर्दा ख्यालात को मुर्दा पत्तों की मानिंद अपने साथ ले जाए, ताकि बहार के मौसम में जिस तरह सारी कायनात नई पैदाइश या नया जन्म लेती है, शायर भी नया जन्म ले सके। शायर वेस्ट विंड से कहता है कि उसकी बातों को जंगल की आग की तरह सारी दुनिया में फैला दें। उसकी
धमाका खेज बातें इस गाफिल दुनिया में तहलका बरपा करेंगी। दूसरे लफ्ज़ों में शायर चाहता है कि सियासत, फ़लसफ़ा, अदब, मसावात और इंसाफ से मुतालिक शायर के ख्यालात और सोच को फ़रोग देने के लिए वेस्ट विंड उसकी मदद करे। शायर का हौसला बुलंद है, वो जानता है अगर सर्दी आती है तो बहार और नई नई पैदाइश का मौसम ज़रूर आएगा।